समाणा के सरकारी अस्पताल से साबका मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा पहुंचे हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस अस्पताल से की कमियां, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन मीटर है, कुछ नहीं, समस्या सारा कुछ पता ही है। इतने हालात किस तरह के, 150 ज़्यादा मरीज समाणे के पॉजिटिव हैं, कुछ लोग पटियाला चंडीगढ़ से इलाज अधीन है, काफ़ी पोस्टा सर खाली पी ने, जे वो पोस्टा भरिया जा मेरी आप वैसे सर वे एक L1 फैसिलिटी होंगी, एक L2, एक L3 फैसिलिटी होंगी सर। जी L1 फैसिलिटी है सर, उसे आप ऑक्सीजन तो बगैर मरीज की टेस्टिंग करते हैं सर, तो नाल आप वैक्सीनेशन करते हैं। जी L2 है सर, वो अभी ऑक्सीजन भी नाल दें सर। जी L3 है वो टर्शरी, उत्थे वेंटिलेटर की लौड़ होंगी सर। हम जिम्मे आप देखते हैं कि बिल्डिंग हैगी है सर, इतने आप तकरीबन 50 का लोड पैनते प्रबंध भी किया है सर, पाँह बैड सर रख सकते हैं, प्रबंध किया है सर 50 का। तो हूँ जिस तरह स्टाफ मिल जाता है तो वो आप जो भी सरकार कहेगी असं चलावे सर। कि स्टाफ की सर मेरे को स्टाफ रखने की कोई पावर नहीं है सर, पावर छोड़ो सर, तनखा की गल तनखा ही दे देंगे। बंदे सर किन्नी की लोड़ है अपन वेंटीलेटर से, किन्ने बंद है भी उन्हें वेंटीलेटर जे वेंटीलेटर से राउंड की क्लोक एनेस्थीसिया वाले 4 डॉक्टर की लोड़ होंगी सर, जे सुन करने वाले डॉक्टर होंगे ना जी, वो वेंटीलेटर से 4 डॉक्टर की राउंड की क्लोक लोड़ है, तो साढ़े को सिर्फ एक डॉक्टर है सर। मैं कहते सर जे वो ऐ होंगे ना जी, वेंटीलेटर जिन्हें मर्जी हो जाए सर, मतलब कि पेशेंट जिम्मे 50 ने सर, 50 ने चाहे 50 वेंटीलेटर ला दो सर। देखो जेडे एक्सपीरियंस हैंड बंदे सी अज सरकार नू लोड़ है उन्होंने, वो कड़ते आप नवे रखने की गल करते हैं, अज तक जिमें मर्जी करके उन्होंने उन्होंने बैठ के हैंडल करना, उन्होंने समझाना, उन्होंने ड्यूटी पर लेके आना, यह सरकार की ड्यूटी है। सो ये कड़ते तो अपन बाद चुप करने भी की ने, जो नवे जो बरा बंदे रखा अपना तजर्बा है नहीं, जो बंदे 5 साल के 10 साल के काम करते हैं उन्होंने कि बड़ा तजर्बा होगा, किन्ना होगा। सो कढ़ने नाल बहुत बड़ा नुकसान होता, सरकार ये नहीं सोच रही कि असी अपने चंगे काम करके अगे लैके आईए। सो ये तो आप होर लोगों पिछले जा रहे हैं, होर मरीजों का नुकसान कर रहे हैं, जो नवे बंदे आएंगे नवे बंदे भी कम करे, पर पुराने का एक्सपीरियंस है जरा बहुत बड़ी गल है। वो भी पटियाले भी गल कर रहे हैं, तो CMO साहब ना भी गल कर रहे हैं कि सारे डॉक्टर जिते इतने जाए ड्यूटी इतने लगन, वो क्योंकि देखो साडा तां छड्या होया सी टोटली सरकार दे उत्ते कि भी सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार का वो बनता है, सरकार की जिम्मेवारी है कि इतने भी बंदे पूरे रखे, उत्थे भी पूरे ड्यूटी रखने की बात है, अज चाहे टैंपरेरी बंदे होर रख लेंगे, अज डॉक्टर नवे भर्ती करने चाहिए सी इन्हां नूं, पर उस पासे जाने की जैसे इतों कढ़ने शुरू करते, इतने हुण पेशेंट किन्ने औखे ने, समाणे दे विच जो अज हाल है मेरा ख्याल है भी सारे पंजाब च कितें है नहीं। असीं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं सी करना चाहुंदे इस गल दे विच कि भी हेल्थ दा कम है, सानूं तां इहदे च मदद करनी चाहीदी है, असीं तां घरे बैठ के कहा सी कि भी जो सातों मदद लैनी असीं मदद कर लो, असीं ना हस्पताल चाहिए ना कुछ होर गया, अज जदों पानी बिल्कुल ही सिर दे उपर दी लंघ गया उदों असीं गल कीती है। देखो उन्होंने तो कोई सरकार चलाने की गल है ही नहीं, वो तो आपसी लड़ाई, आपसी पावर, आपसी पैसा, आपसी करप्शन इस पिछे लड़ी जाते हैं, साढ़े कोई हल नहीं, जो करते हैं करी जाने, पर असं कहने अच्छे लोगों को जी चीज़ की लड़ है लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। लोगों का नुकसान बिल्कुल, देखो जो अज हालात हो रहे हैं यही काम मोदी साहब कर रहे हैं, यही काम यही करी जाते हैं, लगे कि भी वो फतेह किटा भी है नहीं, तो बहुत बड़ा लैप्स है, तो असी तो कोशिश करते हैं कि भी जो कुछ वेंटीलेटर ने जोड़े वो जे सरकार कि कोई कमी है असी लैके दे दिए, फतेह किटा की गल सैकटर साहब न गल हुई है तो जे दे रहे हैं ठीक है, नहीं फिर असी लैके दे दिए, जो भी लोगों को सुविधा है वो सुविधा लैके दे दिए। असी मेन मकसद ये देखो ये एक महामारी है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये कोई सियासी गल नहीं है, ना ये कोई श्रोमणी अकाली दल की गल है, ना कोई कांग्रेस की गल है, ना ये आप की गल है, ये तो लोगों को बचाने की गल है कि लोगों को आप किवें बचा सकते हैं, एड्डा बड़ा हस्पताल है, तो इस हस्पताल के सुविधा मुहैया कराना
ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਭ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 300 ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 150-200 ਕਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਕਿੱਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 150 ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਲਸਨ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼